हेलो एवरीवन। तो देखो, कल हम लोग एसटीपी पढ़े थे, कैसे हम लोग सीवे को कैसे हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, फिर रिवर में क्या करते हैं, जाके ड्रेन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो सीवेक वाटर होता है, जो हमारे घरों से आता है, ठीक है, सबको पता है सीवेक हमारा क्या है, इसमें बहुत सारा माइक्रोब्स होगा, ये बहुत पैथोजेनिक भी होता है। तो सीवेक ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग कैसे उसको लेस पोल्यूटिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। तो ट्रीटमेंट तुम्हारा दो था, प्राइमरी था और सेकेंडरी था, ठीक है। तो प्राइमरी में तुम्हारा दो आता था, एक क्या, एक तुम्हारा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो जैसे हम लोग सीवेज वाटर को नदी में बहाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा बीओडी हाई होता है सीवेज में। बीओडी जहाँ हाई होगा मतलब कि वो पानी ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी में आते हैं तो वहाँ पे जाके फिल्ट्रेशन होगा, मतलब एक छन्नी लगा होगा, जितना भी तुम्हारा सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि जूता चप्पल कपड़ा, जितना भी बोतल ये सब वगैरह, ठीक है, वो सब यहाँ उसको जाके फिल्ट्रेट कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो सॉलिड तो फिल्ट्रेट हो गया। उसके बाद ये एक जाके प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आ जाएगा, ये पानी जितना भी सीवेज वाटर है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आता है, कुछ देर के बाद क्या, तो जितना भी इसका जो मतलब कि जो सॉइल होता है, ग्रीट होता है, बालू, ये सब सब वहाँ पे जाके क्या होता है, तुम्हारा जमा हो जाता है नीचे, सेटल हो जाता है। तो सेटल हो जाने के बाद पानी में अब हमारा बच्चा जो उसमें मिला हुआ है, ठीक है, कैसे हम लोग पानी में गंद मिट्टी मिला दो तो बहुत सारा उसमें मिल जाता है, बट वही चीज़ है, तब उसको कैसे अलग करें। तब उसके लिए हम लोग यहाँ सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाता है थोड़ा सा बीओडी थोड़ा सा कम हो जाता है, बताओ कैसे क्यों होता है। तो सबसे पहले तो जो ये सेटल हो उसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलेंगे, और जो पानी बचा हुआ था, ठीक है, वो प्राइमरी इफ्लुएंट होगा, ठीक है। ये इसके बाद ये जाएगा तुम्हारा ओरिएंटेशन टैंक में। तो सबसे पहले याद रखना है कि ओरिएंटेशन टैंक के पास एक चक्की लगा होता है, चक्की जैसे कि मिक्सर हम लोग के घर में जैसे मिक्सर होता है, ठीक है। तो मिक्सर, तो वहाँ पे बहुत सारा एरोबिक बैक्टीरिया जो पहले से प्रेजेंट था, हेटरोटॉपिक माइक्रोब्स हम लोग पढ़े थे, और कुछ फंगी होता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन टैंक जब चलता है तो वो दोनों क्या होता है, एक अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करके एक मेस लाइक का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, मेस लाइक का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। तो ये दोनों का हमारा क्या हो गया, फ्लॉक्स हो गया, ठीक है। फ्लॉक्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बहुत फिगरस ग्रोथ होता है एरोबिक माइक्रोब्स का, वे फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स क्या है, मास ऑफ बैक्टीरिया और उसके साथ तुम्हारा फंगी का फिलम एंट भी, ठीक है, टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर, जो एक मेस लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्लॉक्स बना लिया। यहाँ पे क्या होता है, बाहर से भर भर के तुम्हारा O2 और एयर मिलता है इसको, और ये चक्की का काम ही है कि ऑक्सीजन का लेवल को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये चक्की का ये काम मेंटेन करके रखता है। अब इसके कारण यहाँ पे BOD थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो भी इसमें तुम्हारा था फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है, वो अब अलग हो गया, ठीक है, वो अलग हो गया, मतलब कि पानी थोड़ा क्लियर हो गया। पहले क्या था, तुम्हारा जूता चप्पल हट गया, बालू हट गया, अब उसमें जो लिक्विड में मिला हुआ, अगर हम लोग बोल दें तुमको कि तुम एक गिलास लो, गिलास में तुम्हारा चीनी है, पानी है, ठीक है, सपोज डेट एक गिलास दे दिए, गिलास में पानी है तुम्हारा, चीनी मिला दिए, साथ में कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाँ, जो फ्लोटिंग कुछ वैसा है वो मिला दिए, ठीक है, और बोलेंगे कि चलो अब इसको करो, तो वो फ्लोटिंग वाला को हटा दिए, फिल्ट्रेट करके बालू को हटा दिए सेडिमेंटेज करके, लेकिन जो चीनी और पानी मिल गया उसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, चाशनी, क्या कुछ बनाते हैं ना चाशनी वाला, जो चीनी फिर अलग हो जाता है, पानी सूख जाता है, चीनी निकल जाता है, सेम उसी तरह ये तुम्हारा चक्की काम करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लॉक्स भी निकल गया है, जो पानी में मिला हुआ था, समझो ये चीनी है, तो उसके कारण थोड़ा सा BOD यहाँ पे लो होता है, मतलब कि थोड़ा सा पानी यहाँ पे लेस पोल्यूटेड हो गया है। अब इसके बाद पानी गया तुम्हारा कहाँ पे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, ये तुम्हारा आया सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब यहाँ पे तो मिल गया तुम्हारा फ्लॉक्स पानी में ही है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये जाता है तो फ्लॉक्स जाके नीचे बैठ जाता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं, जैसे कि इसको प्राइमरी स्लज बोले थे, ठीक है। अब ही सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग इससे निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेने के बाद ये पानी फिर जाके रिवर में चला जाता है, ठीक है। अब ये रिवर में तो चला गया, लेकिन ये पीने लायक नहीं होता है, शुद्ध नहीं है कि हम उसको पी सके, हाँ देखने में साफ लगेगा, पानी रिवर का साफ लगता है देखने में, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है, वो हम पी नहीं सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं, RO घर में लगाते हैं ना, वही सब तुम्हारा टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं, जो नीट में नहीं है उसमें हम लोग ओजोन क्लोरीन को ऐड करके पीने लायक पानी बना दें कि हाँ मेरे घर में यह पानी आ सकता है। अब जो ये सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज था उसको निकालने के बाद हम लोग कहाँ भेज, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, कहाँ पे, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, बताओ,
ठीक है, जितना भी तुम्हारे रिमेनिंग पार्ट था सबको कहाँ पे कर दिए, ओरिएंटेशन टैंक में तो भेज दिए, वहाँ से तुम्हारे लार्ज टैंक में भेजे, फिर वहाँ पे उससे कहाँ भेजे, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिए। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा काइंड ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, कैसे भी और कैसे, एनाएरोबिकली, ठीक है, सब जगह एरोबिक था लेकिन यहाँ पे एनाएरोबिक होगा, और ये जब ग्रोथ करता है तो बहुत डाइजेस्ट बैक्टीरिया और फंगी कहाँ पे, स्लज में डाइजेस्ट होता है बैक्टीरिया और फंगी, क्या होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फ्लॉक्स में वही दोनों चीज़ ना है, तो वहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद बहुत सारा वो क्या करता है, जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बहुत सारा बायोगैस जिसका नाम है क्या, CH4H2S और CO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, जो कि हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बस यही था तुम्हारा, यही था पूरा STP, मतलब कि चार्ट बाई चार्ट की सबसे पहले हम लोग क्या किए, BOD सीवेज वाटर को पहले प्राइमरी सेट, पहले फिल्ट्रेशन हुआ, फिर प्राइमरी सेटलिक टैंक में गया, वहाँ पे प्राइमरी स्लज अलग और प्राइमरी फ्लुएंट अलग हो गया, फिर प्राइमरी फ्लुएंट को हम लोग भेज दिए ओरिएंटेशन टैंक में, वहाँ पे बैक्टीरिया फंगी मेस लाइक फ्लॉक बना लिया, वो भी पानी से अलग हो गया, फिर वो चला गया सेकेंडरी सेटलिक टैंक में, वहाँ पे फ्लॉक्स क्या हो गया, सेटल हो गया, फिर उसको हम लोग भेज दिए दूसरे जगह की, जहाँ पे जाके वो डाइजेस्ट करेगा जो बैक्टीरिया और फंगी था, और बायोगैस को प्रोड्यूस कर देगा। बस यही था तुम्हारा, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा क्लास तो कमेंट जरूर करना, थैंक यू सो मच।